हाय फ्रेंड्स, आई एम होस्ट गौरव सोती एंड वेलकम टू चैनल होमग्राम। सो साइंस ऑफ होम बाइंग में दोबारा हम लेकर आए हैं कंपैरिजन पूरे का पूरा तीन प्रोजेक्ट्स का। सो इंड्यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स हैं, बैक टू बैक लॉन्चेस आए हुए हैं। सो आई थॉट दैट आई शुड गिव यू अ कंपैरिजन, बिकॉज लास्ट जितनी कंपैरिजन वीडियोस बनी है आप लोगों ने बहुत अच्छे खासे कमेंट्स किए उस पे। सो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं हम एक ऐसे प्रोजेक्ट का। आशियाना हमारा फेज वन आया और बहुत ही कम टाइम में, विद इन 3 डेज दिस वॉज सोल्ड आउट। तो इसका फेज टू आ रहा है, इसको कंपेयर करेंगे अनदर बिग ब्रांड विच इज सिग्नेचर ग्लोबल। सो लो राइज लग्जरी फ्लोर्स लेकर आए हैं सेक्टर 93 में। सो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एसएस ग्रुप का। सो माइंड बॉगलिंग प्राइस होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन सेक्टर 83 में हाई राइज लेकर आ रहे हैं, ईओआई की स्टेज पे है, प्राइसिंग बहुत अच्छी होने वाली है। सो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आशियाना हमारा की। So, मैंने कई पैरामीटर रखे हैं, लोकेशन, ब्रांड वैल्यू, अमेनिटीज, स्पेसिफिकेशन, साइजेस, एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन, और लास्ट में सबकी रेटिंग कवर करेंगे। तो तीनों के तीनों प्रोजेक्ट को कंपैरिजन करके लास्ट में मैं रेटिंग बताऊंगा कि एचजी रेटिंग में किसको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो लेट्स गो एट आशियाना हमारा की बात करें। सो लोकेशन अगर हम बोले तो सेक्टर 93 में जो है बहुत अच्छी लोकेशन है, डीएलएफ की बहुत अच्छी प्रेजेंस है वहां पे। इससे पहले डीएलएफ गार्डन सिटी एनक्लेव के फ्लोर आए और वहां पे डीएलएफ बहुत अच्छा खासा काम करता है। तो इट इज ऑलमोस्ट 6 to 7 किलोमीटर फ्रॉम NH8। जिन लोगों ने न्यू गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदनी है उन लोगों को ये 93 लोकेशन बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जेंट्री बड़ी अच्छी है वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, द्वारका एक्सप्रेस से 4 से 5 किलोमीटर लगते हैं, जिस रोड पे लाए करता है ये 60 मीटर वाइड रोड है। तो आपको हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं NH8 से, इतने ही आपको मिनट लगेगा जो द्वारका एक्सप्रेस से डायरेक्ट मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सो कंपैरेटिवली लोकेशन इज फाइन, बिकॉज नेबरहुड में और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। तो लोकेशन में ही अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करूं तो सिविक अमेनिटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आपको आसपास मिलता है। मॉल्स आर देयर, हॉस्पिटल्स आर देयर, स्कूल्स आर देयर। सो इन दैट वे दिस इज अ प्लेस जो कि ऑलरेडी हैबिटेटेड है। तो आगे चलते हैं ब्रांड वैल्यू पे। सो आशियाना का ब्रांड वैल्यू बहुत ही सॉलिड है। दे हैव ऑलमोस्ट वर्किंग फॉर पास्ट 42 इयर्स, लिस्टेड कंपनी है, 5 स्टेट 9 सिटीज और 50+ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं। सो कोई थॉट नहीं है दिमाग में जब ब्रांड वैल्यू की बात आती है, बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी किसी भी सिटी में जाती है, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन एंड क्लियर है। तो दैट्स द रीजन, ब्रांड वैल्यू के कारण इनका 3 दिन में प्रोजेक्ट फेज 1 सोल्ड आउट हो गया। तो अमेनिटीज में दे एक्चुअली डू द कॉन्सेप्ट सेलिंग। कॉन्सेप्ट सेलिंग में ये किड्स सेंट्रिक टाउनशिप है, ऐसे सीनियर लिविंग टाउनशिप एक इनकी निमराना में है। तो किड्स सेंट्रिक टाउनशिप सोना में भी इन्होंने बना के डेवलप की हुई है। स्पेसिफिकली दे हैव टेकन केयर ऑफ एवरी सिंगल एज ग्रुप। एज ग्रुप में आपको प्ले स्ट्रीट एरिया अलग मिलता है, एक लर्निंग हब का नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। सो इन दैट यू विल बी गेटिंग सो मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर योर चिल्ड्रेन। स्पोर्ट्स एरिया अलग है। सो इफ यू टॉक अबाउट एनी टाउनशिप विच इज स्पेसिफिकली फॉर द किड्स, इससे ऊपर चीज आपको गुड़गांव में मिलनी मिलती। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल वर्जन में आपको बात करनी है, वी कैन टॉक अबाउट प्रोजेक्ट। आप #AA93 आशियाना हमारा 93 डाल सकते हैं, थॉरली पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की। एरिया आता है 22 एकड़ में, ये 21 टावर्स बना रहे हैं। सो दिस इज मिड सेगमेंट टावर्स, तो स्टिल प्लस 14 फ्लोर्स हैं, 1250 यूनिट है। सो इन कंपैरिजन विद एनी अदर प्रोजेक्ट व्हाट आई हैव सीन इज 1250 यूनिट्स इन 22 एकड़ अगर आप प्रोपोर्शनल देखेंगे, अगेन दिस इज लो डेंसिटी इफ वी कंपेयर विद न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में कंपैरेटिवली ठीक ठाक डेंसिटी है, उस मामले में इस प्रोजेक्ट में 1250 यूनिट कम है। और फिर ओपन एरिया, ओपन टू स्काई एरिया भी, अमेनिटीज भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूनिट्स कम है, डेंसिटी कम है। तो साइजेस क्या क्या आते हैं, अभी फेज टू में सिर्फ 2 साइजेस निकाले हैं इन्होंने। सो बिल्डर की इंटेंट देखिए आप, बिल्डर सिर्फ कारपेट एरिया पे सेल करता है, तो थोड़ा सा रेलेवेंस रहे इसलिए मैंने सुपर एरिया भी लिख दिया है। तो 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट, कारपेट एरिया इज 1000 स्क्वायर फीट, सुपर एरिया लगभग 1200 स्क्वायर फीट के आसपास है। 3 plus 3 T जिसका कारपेट एरिया है 1205 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट सुपर एरिया आ जाता है। तो यही 2 साइजेस हैं जो अवेलेबल हैं, बहुत लिमिटेड यूनिट्स है। Take my words guys, 4th onward ये अपनी साइट विजिट ओपन करेंगे, अभी ओपन भी नहीं है, और 18th onward ये अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। आज EOI ले रहे हैं 4 लाख रुपए की, ये जितनी यूनिट्स है ना, आपको यूनिट मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो आगे चलते हैं एक्स्ट्रा में क्या दे रहे हैं। इस बार इन्होंने कई चीजें ऐड कर दी हैं। तो मॉडुलर किचन इज देयर, चिमनी हॉब इज देयर, प्रोविजन ऑफ AC सारी आपको जो है कॉपर वायरिंग करके देंगे,
इसके अलावा 5 से 10 लाख रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। तो 5 से 10 लाख रुपए का डिस्काउंट ईओआई का डिस्काउंट रहेगा कि आप जितने पैसे दे रहे हैं उसके ऊपर 5 से 10 लाख रुपए डिपेंडिंग ऑन द साइज आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है एक्स्ट्रास के बाद वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन हमेशा बहुत बड़ा फर्क डालती है। तो हमने देखा है फेज 1 से लेके फेज 2 में इन्होंने अच्छा खासा इंक्रीमेंट किया है। 3+2T का रेट जो अभी एस्टिमेटेड है दैट इज 1.19 से 1.33। तो एस्टिमेशन है ये लगभग 1.12 से 1.15 के आसपास रेट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग द ईओआई डिस्काउंट। सो वैसे ही 3+3T का आ जाता है 1.48 CR से लगभग 1.5 करोड़ से 1.65। तो अगर हम कैलकुलेट करें पर स्क्वायर फीट कहीं ना कहीं 9500 से 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट आएगा। सबके लिए सेम रहेगा, जो ईओआई फर्स्ट बेनिफिट मिलने वाला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो एस्टिमेशन है बिल्डर कुछ और ज्यादा फर्क ले तो रेट और नीचे आ जाएगा, अभी ये रेट निकल के आ रहा है। तो अब एचजी रेटिंग की बात लास्ट में करेंगे गाइस, जब पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को मैं कवर कर लूंगा। सो बने रहिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला है जब तीनों प्रोजेक्ट को कवर कर हम लास्ट में बताएंगे कि किसकी क्या रेटिंग है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चलते हैं, सिग्नेचर ग्लोबल। सो सिग्नेचर ग्लोबल अगेन गुड़गांव में कम से कम इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन मिक्स सेगमेंट। तो अगर ब्रांड वैल्यू की मैं बात करूं, लिस्टेड कंपनी बनने वाली है, 45 प्लस प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, 3 सिटीज में है, गाजियाबाद में भी है, करनाल में भी है और गुड़गांव में तो हर कोई जानता है इन्हें। तो अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, लोकेशन एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट आशियाना वाली है, आशियाना से बिल्कुल थोड़ा सा आप आगे वही 60 मीटर वाइड रोड पे जाते हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल आ जाता है। वही आपको 5 से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर एनएचएच से लगते हैं और इतना ही डिस्टेंस आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से है। तो विद इन 10 मिनट्स आप दोनों हाईवे पे बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ब्रांड वैल्यू में मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत रिनॉन्ड ब्रांड है, बहुत कम टाइम पे बहुत सुलझे हुए तरीके से इन्होंने काम किया। तो आज 45 प्लस प्रोजेक्ट्स में मिड सेगमेंट में इनसे बड़ा गुड़गांव में कोई ब्रांड नहीं है। तो आगे चलते हैं, लो राइज लग्जरी फ्लोर्स लेकर आए हैं। लो राइज लग्जरी फ्लोर्स के साथ आज की सबसे बड़ी अपडेट थी, नाउ एनी बिल्डर फ्लोर विल नॉट बी हैविंग 4th फ्लोर, कोई भी अप्रूवल नहीं मिलेंगे। हमने एक वीडियो भी बनाई छोटी थी जिसमें पूरा कवर किया है हमने, जिसमें स्टिल प्लस 4 फ्लोर के सारे अप्रूवल होल्ड कर दिए गए खट्टर जी की तरफ से। अब स्टिल प्लस 3 या स्टिल प्लस 2 फ्लोर आएंगे। तो दीनदयाल के प्लॉट्स की बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। सो दिस इज लो राइज लग्जरी फ्लोर्स। तो लो राइज लग्जरी फ्लोर्स की अगर हम बात करें, क्लब और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलेगी आपको, ईवी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, ग्रीन पार्क होंगे, स्पोर्ट्स कोर्ट सारे के सारे आपको जो है एक कहीं ना कहीं वो वाली अमेनिटीज मिल जाती है जो आपको नॉर्मल बिल्डर फ्लोर में नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की, एरिया है 17.31 एकड़ का। अभी जो है एरिया जिसमें फेज लॉन्च किए इन्होंने दैट इज 9.30 एकड़। 250 प्लॉट्स हैं। फ्लोर्स की अगर बात करें 996 फ्लोर्स है टोटल और शॉप्स भी आ रही है इसमें लगभग 200 से कम 193 के आसपास शॉप्स आ रही है। तो साइजेस की पे बात करते हैं, साइजेस में 2 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट आ जाता है लगभग 1116 स्क्वायर फीट से 1278 स्क्वायर फीट का आपको अलग अलग डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं। देर आर मोर देन 7 साइजेस अवेलेबल। वैसे ही 3+3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट 1826 स्क्वायर फीट, 3+3T आपका 1780 स्क्वायर फीट और 3+3T 1566 स्क्वायर फीट भी है। तो ये सारे के सारे अलग साइजेस हैं, आप डिटेल में हमसे जान सकते हैं। यू कैन जस्ट टाइप #SG93, वी विल गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन, आर टीम विल कॉल यू, पूरे प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं विद कॉस्ट शीट आपको शेयर कर देंगे। तो आगे चलते हैं, एक्स्ट्राज में क्या दे रहे हैं। एक्स्ट्राज में मॉडुलर किचन दे रहे हैं, चिमनी दे रहे हैं, एसी मिल रहा है, होम ऑफिस सेटअप मिल रहा है। सो विल बी गेटिंग एयर कंडीशन होम ऑफिस सेटअप। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर वालों को बेसमेंट में एडिशनल रूम मिल रहा है। अगर आप 4th फ्लोर रहते हैं विच इज वे मोर एक्सपेंसिव देन सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर, वो उसमें आपको फुल टेरेस राइट मिलेगा। सो इसमें जो है साइजेस भी अलग अलग हैं, रेट्स भी अलग अलग हैं फ्लोर वाइज। सेकेंड और थर्ड के सेम रेट है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के थोड़े से महंगे रेट है, फोर्थ फ्लोर क्योंकि पूरा टेरेस राइट मिलता है उस वो सबसे एक्सपेंसिव है। तो वैसे ही 1826 स्क्वायर फीट की बात करें तो 1 करोड़ 34 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 44 लाख तक की यूनिट है। 1786 की बात करें 1 करोड़ 31 लाख से 1 करोड़ 41 लाख की यूनिट है। एक साइज बड़ा अच्छा आता है अगर छोटी यूनिट आप देख रहे हैं, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट की एक यूनिट है 1420 स्क्वायर फीट की, 1 करोड़ 9 लाख से 1 करोड़ 17 लाख अच्छी यूनिट है क्योंकि प्राइसिंग बहुत कम आती है।
वैसे ही 1116 में 2 BHK 2 टॉयलेट 87 लाख से 94,000। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल, मासेस को कैप्चर करता है क्योंकि मिड सेगमेंट 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी, लोकेशन अच्छी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी, आपको सिग्नेचर ग्लोबल बड़े अच्छे वे में दे देता है। 1278 का साइज 99 लाख से 1 करोड़ 6 लाख, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल साइज। तो ये साइजेस हैं, लो राइज लग्जरी फ्लोर्स मेरे ख्याल से वापस नहीं आने, जिनके लाइसेंस अप्रूव है वही लेकर आ सकते हैं, नए लाइसेंस दीनदयाल के अप्रूव नहीं होंगे। सो दिस माइट बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन न्यू गुड़गांव। आगे चलते हैं गाइस, आगे एक न्यू एंट्री हुई है, न्यू एंट्री में एसएस ग्रुप आया है बहुत अच्छी लोकेशन पे लेके, तो 83 सेक्टर है। आज हम न्यू गुड़गांव एंटर करते हैं, मेन जो है आप जैसे ही हयात रेजिडेंसी क्रॉस कर आप फ्लाईओवर के नीचे से राइट सीधा स्ट्रेट वाटिका नेक्स्ट सिटी एंटर कर जाते हैं। उससे थोड़ा सा पहले, टॉल से पहले अगर टूवर्ड्स आप दिल्ली जा रहे हो तो आप लेफ्ट मुड़ते हैं तो एसएस ग्रुप का प्रोजेक्ट आ जाता है, लेस देन 700 मीटर फ्रॉम एनएचएट। तो 700 मीटर फ्रॉम एनएचएट, लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। तो गाइज दिस इज वंडरफुल लोकेशन, मतलब आप लोकेशन देखेंगे 93 थोड़ा अंदर जाकर है, इन टर्म्स ऑफ दैट आपको एसएस ग्रुप की लोकेशन बहुत अच्छी लगने वाली है। सो दिस इज ऑन 24 मीटर वाइड रोड, 24 मीटर वाइड रोड पे हाई राइज आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल, सॉरी एसएस ग्रुप का, जिसमें ये लोग जो है अपने टावर अलग टावर लेकर आएंगे, रेरा एक्सपेक्टेड है एनी डे। सो इट इज ऑल्सो, अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें, इट इज ऑल्सो रिनॉन ब्रांड जिसमें 20+ प्रोजेक्ट ही बना चुके हैं। एसएस ग्रुप को गुड़गांव में हर कोई जानता है, अगर आप दिल्ली से हैं कहीं और से हैं तो आपको एसएस ग्रुप्स की अच्छी प्रेजेंस मिलेगी गुड़गांव में। इसके अलावा अगर हम बात करें एमेनिटीज का, तो 40,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस आ रहा है और पूल, स्विमिंग पूल, योर फोर्स कोर्ट्स एंड ग्रीन सेंट्रल पार्क, आपको इस सारी की सारी चीजें एसएस ग्रुप में इस प्रोजेक्ट में मिलेगी ही मिलेगी, बने रहिएगा। इसका लास्ट में जब मैं प्राइसिंग कवर करने वाला हूं, दैट इज टोटली सेपरेट, मतलब दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर साइड, बट बहुत अच्छा प्राइसिंग आया। तो इसके बाद अगर हम साइजेस की बात करें, देयर आर टू साइजेस, 3+2T 1450 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम + 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट क्वार्टर 1850 स्क्वायर फीट। सो ये जो है इस प्रोजेक्ट की हम बात करें, दो ही साइजेस हैं। इसके अलावा अगर हम आगे की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपको एयर कंडीशन फ्लोर्स मिलते हैं, फ्लैट्स मिलते हैं, नॉर्मल फिटिंग एंड फिक्स्चर्स आपको मिल जाते हैं। इसके साथ इनॉग्रल डिस्काउंट आज कंपनी दे रही है, दिस इज ऑफ 4 लाख रुपीज। So, आज रेट जो मैं आपको बारी बारी रिपीट कर रहा था, 3 बेडरूम 2 टॉयलेट 1 करोड़ 3 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है, 4 लाख रुपीज का ईओआई अमाउंट आपको मिल जाता है, तो ये रेट 99 लाख रुपीज आया था, 99 लाख रुपीज, लेस देन 1 करोड़ रुपीज फॉर 3 बेडरूम 2 टॉयलेट, दैट टू और 1450 स्क्वायर फीट इज वेरी गुड इन न्यू गुड़गांव, कुछ नहीं मिलता इस रेट पे, कुछ नहीं मिलता। सो 3+3 टॉयलेट 131 माइनस 4 लाख 127, 1 करोड़ 27 लाख रुपए में आपको 1850 स्क्वायर फीट का साइज मिल जाता है। अगर वैसे कैलकुलेट करके चलते हैं तो 6900 7000 से कम का प्राइसिंग है। सो इन दैट वे दिस इज वे टू गुड, मतलब ये एक्सपेक्टेड प्राइसिंग आज नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं मिलता है। स्टिल कंसिडरिंग द पार्ट दे आर टेकिंग द यूआई, अगर इसके बारे में और डिटेल जाननी है आप #SS83 लिख दीजिए और हम आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देंगे। So why I am doing the comparison of all these projects, because all these projects are end user driven product. So end user driven होने के साथ तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आपको सबसे पहले जो है ये देखना है कि मेरा बजट कितना है, उस बजट में कौन कौन सी चीज आपको ज्यादा मैटर करती है, ये पर्सनल चॉइस पे है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप आशियाना लीजिए या सिग्नेचर ग्लोबल लीजिए, एसएस ग्रुप लीजिए, आपकी पर्सनल चॉइस है। आई हैव डन सम काइंड ऑफ स्टडी, सम काइंड ऑफ रिसर्च, वो आपके सामने है जिसमें मैं अभी रेटिंग भी दूंगा, उसके बाद आपने अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से देखना है। तो एचजी रेटिंग हमने एक नई चीज शुरू की, होमग्राम रेटिंग, जिसमें हम एनालाइज करके आरएनडी करके पूरे प्रोजेक्ट को डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, ब्रांड वैल्यू, अमेनिटीज, स्पेसिफिकेशन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, हम एक रेटिंग देंगे। तो वैसे ही आशियाना हमारा अगर बात करें, लोकेशन इज 3.5, व्हाई आई हैव गिवन इट 3.5, बिकॉज एनएचएट से आपको 6-7 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। मीनवाइल आज भी न्यू गुड़गांव की रोड्स कुछ बन रही है, वो रोड्स बन जाएंगी तो और अच्छी हो जाएगी कनेक्टिविटी। ब्रांड वैल्यू की बात करें, इट इज 5 out of 5, अनडाउटली इट डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, ये कहीं पे भी इंडिया में किसी भी सिटी में चले जाएगा तो भी ये हिट रहेगा, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लीन है।
उसके बाद अमेनिटीज की बात करेंगे, 5 out of 5 दे डू वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट सेलिंग। तो किड सेंट्रिक टाउनशिप, जिन लोगों की ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, हु वांट टू रेज देयर किड्स विद सो मेनी को करिकुलर एक्टिविटीज, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा इंड्यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट है। अमेनिटीज 5 out of 5, स्पेसिफिकेशन 4.5, तो समहाउ मॉड्यूलर किचन मिल रहा है आपको, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एसी, कई चीजें ऐसी मिल रही हैं, तो 4.5 out of 5। वैल्यू प्रोपोजिशन, क्योंकि रेट ऑलमोस्ट एट पार 9500 to 10,000 रुपीज आ गया है, तो मैंने इसको 4 out of 5 दिया है। स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और आई नो शायद 3 दिन में पहले सोल्ड हुआ था, ये इस बार 2 दिन में भी हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों ने पहले लूज कर दिया ये चांस, दे आर रेडी टू बाय इट, दे हैव सीन इट व्हाट काइंड ऑफ फेज वन में क्या क्या चीजें हुई। तो अगर इन टोटल करेंगे हम HG रेटिंग में पूरे प्रोजेक्ट को, तो 4.4 की रेटिंग देते हैं। सो गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आशियाना लिमिटेड एडिशन है, वापस नहीं आएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट नहीं बनाता, ऐसा नहीं है कि इसके बाद गुड़गांव में कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी क्लीन क्लियर एंड यूजर ड्रिवन प्रोडक्ट, गो फॉर आशियाना। हमें #8893 आप भेजेंगे, तो वी विल बी स्पेसिफिकली टेलिंग यू अबाउट प्रोजेक्ट, सारी चीजें समझाएंगे आपको। उसके बाद अगर आप EOI लगा रहे हैं, तो प्रेफरेंस बहुत अच्छी लास्ट टाइम पे भी मिली थी हमें, जितने क्लाइंट से देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल % कैंसिलेशन, सेम इन फेज 2 वी विल बी डूइंग। आगे चलते हैं गाइस सिग्नेचर ग्लोबल पे। सिग्नेचर ग्लोबल की अगर हम बात करें, लोकेशन इज 3.5 बिकॉज इट इज एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट, ब्रांड वैल्यू 4.5, undoubtedly Signature has established themselves as a brand in very less time, बहुत अच्छा खासा काम किया इन लोगों ने। amenities 4 out of 5, एक नंबर इसलिए कट रहा है क्योंकि लो राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स में amenities उस लेवल की आ नहीं पाती, still they managed to give you good amenities, specification 4 out of 5, value proposition 4.5 out of 5। so Signature Global market के हिसाब से नहीं चलता, अगर रैली चल रही है market की तो rate बढ़ा दें, ऐसा नहीं करता Signature Global, बड़ा वैल्यू प्रोपोजिशन रखता है, इसलिए मिड सेगमेंट में सबसे ज्यादा हिट है। तो वैल्यू प्रोपोजिशन में 4.5 out of 5, तो 5 में से 4.1 की रेटिंग मिलती है, विच इज वन ऑफ द एक्सलेंट रेटिंग। गाइस दीनदयाल जनवास योजना के प्लॉट्स एंड इवन बिल्डर फ्लोर्स में 4 फ्लोर हटने के कारण आपको दोबारा ऑप्शंस नहीं मिलने। इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर लो राइज फ्लोर्स, अभी इस टाइम पे पूरी मार्केट में सिग्नेचर ग्लोबल से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है। So last but not the least, SS Group 83, location सबसे ऊपर है, 4.5 out of 5, reason is NH8 से आपको 2 मिनट लगते हैं और आप SS Group में पहुंच जाते हैं, वैसे इनकी 50 एकड़ प्लस वहां पे है, पूरी की पूरी लैंड पार्सल और भी डेवलप करेंगे। सो 4.5 out of 5, इसके अलावा ब्रांड वैल्यू 3.5 out of 5, कंपेरिजन विद आशियाना सिग्नेचर ग्लोबल, इन दोनों का ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी वेटेज ज्यादा है SS Group से, हालांकि काम अच्छा किया है इन्होंने, थोड़े बहुत 1-2 प्रोजेक्ट्स कहीं ऊपर नीचे हुए होंगे, बट वैसे अब MyOne कंस्ट्रक्शन है तो MyOne कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्टिल आई एम गोना गिव 3.5। अमेनिटीज में 3.5, अभी चीजें खुल के नहीं आई, 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना रहे हैं, क्या एग्जैक्ट बना रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ 3.5 फॉर अमेनिटीज, 3.5 फॉर स्पेसिफिकेशन। वैल्यू प्रोपोजिशन में 4.5 दे रहा हूँ, 4.5 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप रेट देख के चलोगे 7,000 से नीचे अभी 15-16 हजार रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट पहुंच गया, ये 1 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो 50% रेट 1 किलोमीटर दूर अगर आ रहा है, तो मेरे को उस हिसाब से वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छा लगता है। जो सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट देख रहे हैं लोग, उनके लिए SS Group से अच्छा कुछ नहीं है। सो इसके बारे में सारे लेआउट, सारा कुछ ब्रोशर, सब कुछ है हमारे पास, इफ यू वॉन्ट डिटेल्स अबाउट इट, टाइप #SS83, विल बी शेयरिंग अप द डिटेल्स। इसकी भी EOI फिल कर सकते हो, आशियाना का सिग्नेचर ग्लोबल का रेरा आ गया है, इसका एक्सपेक्टेड है। सो गाइस दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ द 3 एंड्यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा, आशियाना के बारे में और जानना है 8890 लिख दीजिए, आपको अगर सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में जाना है #SD93 लिख दीजिए, अगर आपको SS Group के बारे में और जाना है तो #SS83 लिख दीजिए। We will revert you, our team will revert you and we'll share all the details. So thank you so much guys. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.